ओम पितृ देवताय नमः। आज अधिक मास अमावस्या है। आज 16 अगस्त के दिन अधिक मास अमावस्या का व्रत रखा जाएगा। अधिक मास के अमावस्या का व्रत रखना बेहद शुभ फलदायी माना जाता है। इस दिन जो व्यक्ति व्रत रखकर दान पुण्य के काम करते हैं, उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। अधिक मास अमावस्या साल में आने वाली हर अमावस्या से खास मानी जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये 3 साल में एक ही बार आती है। दरअसल जिस साल में अधिक मास पड़ता है, उसी साल में ये अमावस्या भी पड़ती है। इस दिन स्नान, दान और पितरों की आत्मा की शांति के उपाय करना बेहद फलदायी माना जाता है। अमावस्या पर व्रत भी रखते हैं। व्रती अमावस्या की व्रत कथा को पढ़ना बिल्कुल न भूलें। अमावस्या की व्रत कथा अगर आप अमावस्या व्रत रख रही हैं तो अवश्य पढ़ें। इस कथा को पढ़ने से आपके पितरों, आपके पितर शांत होंगे। उन्हें सब 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 प्रकार की सुख। अमावस्या व्रत के अनुसार एक गांव में गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। उस परिवार में पति पत्नी और उसकी एक पुत्री भी थी। पुत्री सुंदर, संस्कारवान और गुणवान थी, लेकिन गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। कन्या ने उस साधु की खूब सेवा की। कन्या के सेवा भाव से प्रसन्न होकर साधु ने उसे लंबी आयु का आशीर्वाद दिया, लेकिन साथ में यह भी कहा कि इस कन्या के हाथ में विवाह योग्य रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपत्ति ने साधु से इस समस्या का उपाय पूछा। साधु महाराज ने कहा कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक गांव है। मैं सोना नाम की एक धोबिन अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत संस्कार संपन्न तथा पति परायण है। यदि यह कन्या उस धोबिन की सेवा करे और वो धोबिन महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे, तो इससे कन्या का वैधत्व योग मिट जाएगा। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी को प्रातः काल ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई और अन्य सारे कार्य करने के लिए कहा। माँ के कहे अनुसार उस कन्या ने भी यही किया। वो रोजाना सुबह उस धोबिन के घर जाती और वहाँ सारा काम निपटा कर सभी के उठने से पहले अपने घर वापस आ जाती। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और मुझे पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम कर रही हैं। मैं तो देर से उठती हूँ। यह सब जानकर दोनों सास बहू घर की निगरानी करने लगी कि आखिर कौन सुबह सुबह उनके घर से आकर सारा काम करके चला जाता है। कुछ दिनों बाद धोबिन ने उस कन्या को देखा जो मुंह ढके अंधेरे में आ जाती है और सारे काम करके चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों में गिर पड़ी और पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह से मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा बताई गई सारी बात बता दी। सोना धोबिन पति प्रणायन थी, अतः उसने तेज था। वह उस कन्या की मदद के लिए तैयार हो गई। सोना धोबिन का पति थोड़ा अस्वस्थ चल रहा था। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबी ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, वैसे ही उसके पति की मृत्यु हो गई। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से बिना कुछ खाए पिए ही चली थी। यह सोचकर कि रास्ते में पीपल का पेड़ मिलेगा तो वह उसे भंवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़े से 108 बार भौंरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा भी की और उसके बाद ही जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसका पति फिर से जीवित हो उठा।